आज स्टार्ट करना है सप्लाई के बारे में। ध्यान दो, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था आपका कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है। अब ये बात कर रहे हैं सप्लाई, यानी एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है। ठीक है, तो सप्लाई को डिफाइन किया गया है कि इट इज ए डिफाइंड ठीक एज अ क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर, जो एक प्रोड्यूसर क्या होता है, विलिंग होता है, एबल टू होता है सेल करने के लिए। ठीक है, जो भी उसका प्राइस है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। और क्या क्या फैक्टर होते हैं सप्लाई को डिसाइड करने के लिए। पहला होता है जान दो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है, यानी प्राइस की कॉमोडिटी। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक प्रोड्यूसर को प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, प्राइस कम मिलेगा तो क्या करेगा, वो कम सप्लाई करेगा। दूसरा है रिलेटेड गुड, मान लो अगर किसी रिलेटेड गुड का प्राइस हाई हो गया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, पहले वाले गुड्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसका प्राइस हाई है उसको बनाना शुरू कर देगा। और कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, अगर जितनी ज़्यादा कॉस्ट